हे दोस्तों, अगर आप एक कोई मूवी देखना स्टार्ट करो अपने लैपटॉप में या मोबाइल में और अगर आपको वो पसंद ना आए तो आप क्या करोगे? वेल, आप कुछ टाइम बाद ही वो मूवी देखना बंद कर दोगे, राइट? ऐसा तो नहीं होगा कि आप सोचोगे, अरे मैं मूवी बंद कर दूंगा तो मूवी बनाने वालों को कितना बुरा लगेगा, इतनी मेहनत से बनाया होगा, चलो पूरी ही देखता हूँ। नहीं ना, आप तो बिना सोचे बिना गिल्ट फील करे बंद कर दोगे, राइट? वेल, कई बार ऑथर अमृत देशमुख से बोलते हैं कि उनका बुक्स पढ़ने का बहुत मन करता है। कई बार वो जोश के साथ बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन फिर 5 पेज के अंदर ही या फिर 5-10 मिनट के अंदर ही उन्हें नींद आने लगती है, वो बोर होने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें गिल्ट फील होता है। नौ ये चीज ऑथर बोलते हैं कि ऐसे ही है जैसे कोई मूवी अगर आपको पसंद ना है और उसे आप बंद कर दो तो गिल्ट फील करना, जो सही नहीं होता। सिमिलरली कई बार लोग ऑथर को बोलते हैं कि सर कौन सी बुक्स पढ़ना बेटर है, ई बुक या फिजिकल बुक या फिर ऑडियो बुक भी चलेगी, कब पढ़ना चाहिए, सुबह या रात? और ऐसे ही कई क्वेश्चंस लोग बहुत सीरियस होके पूछते हैं। बट अमृत बोलते हैं कि सीरियसली ये सीरियस क्वेश्चंस पूछना ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि लोग रीडिंग को एक बहुत सीरियस टास्क समझते हैं, ना कि उसे एक हॉबी की तरह लेते हैं, जो थोड़ा बहुत करना भी मोर देन इनफ है। और जब वो बुक रीडिंग को एक सीरियस टास्क समझते हैं तो कई बार वो उससे रिलेटेड गलत अजम्पशंस पाल लेते हैं कि बुक रीड करना है तो इतना ही करना चाहिए, इतने टाइम ही करना चाहिए, प्रॉपर टाइम होना चाहिए और हमें स्ट्रिक्टली पढ़ना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। अमृत बोलते हैं कि जो इफेक्टिव रीडर्स की पहली हैबिट होती है वो ये है कि दे डोंट टेक रीडिंग सीरियसली। हाँ, आपने सही सुना, वो रीडिंग को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। एग्जाम्पल, क्या जब आप टीवी देखते हो, मोबाइल यूज करने जाते हो तो सीरियस होके जाते हो कि नहीं मैं हर दिन इतने टाइम मोबाइल यूज करूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक, या बस मैं ऐसे ही देखूंगा लेट के ना कि बैठ के? नहीं ना। वेल, आप ये सब चीजें कैजुअली करने जाते हो और ज्यादा सोचते नहीं, बट स्टिल पूरा दिन कर देते हो। सिमिलरली आपका जो रीडिंग के लिए भी एटीट्यूड है वो ऑथर बोलते हैं कि बहुत कैजुअल होना चाहिए। कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब बातों पे इतना फोकस नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ऑथर बोलते हैं कि अगर आप हर दिन 10 पेज पढ़ो और 10 अलग अलग बुक से पढ़ो क्योंकि आपको एक बुक पढ़ने बोर हो रहा था, तो वो मच बेटर है कोई एक बुक के 100 पेजेस पढ़ने से। अमृत बुक रीडिंग को लेके बहुत कैजुअल है अपनी लाइफ में। एग्जाम्पल, वो जानते हैं कि कई बुक्स पढ़ के नींद भी आती है, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी स्पेसिफिक बुक्स रखी है अपनी लाइब्रेरी में जो वो बस सोने से पहले पढ़ते हैं ताकि उन्हें अच्छे से नींद आ सके। ऐसी आप भी रीडिंग को कैजुअली लो। हैबिट नंबर 2, फिल इन द टाइम पॉकेट्स। अब एक बहुत कॉमन चीज जो लोग अमृत को बोलते हैं वो ये है कि उन्हें बुक्स पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है कभी, वो बहुत बिजी रहते हैं अपने डेली काम, जॉब्स और दूसरी चीजों की वजह से। नाउ इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम और एक्सक्यूज से लड़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है टू यूज टाइम पॉकेट्स फॉर रीडिंग। नाउ टाइम पॉकेट्स क्या होते हैं? वेल, टाइम पॉकेट्स वो अननोटिस बीत जाने वाले हंड्रेड्स ऑफ मिनट्स होते हैं जो डेली हमारे सामने से बहुत आराम से निकल जाते हैं, स्टिल हम उसे देख नहीं पाते। एग्जाम्पल, रेलवे स्टेशन पे खड़े होके टिकट निकालने में बर्बाद होने वाला टाइम, किसी दोस्त को बुला के उसके लिए वेट करने वाला टाइम पॉकेट, डेंटिस्ट या डॉक्टर के वहां जाके बैठे बैठे अपनी बारी का वेट करने वाला टाइम पॉकेट, ट्रैफिक में फंसे हुए गुस्से से निकाल देने वाला टाइम पॉकेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। न पहले ऑथर भी नॉर्मल लोगों की तरह ही इन टाइम पॉकेट्स में बस टाइम पास करते थे, टाइम वेस्ट करते थे किसी भी तरह। लेकिन फिर जब उन्होंने स्विम विद द शार्क्स बुक पढ़ी तो उसकी एक लाइन उन्हें बहुत इंस्पायर करी, जो ये थी कि इफ आई एम नॉट रीडिंग आई एम नॉट चेंजिंग, इफ आई एम नॉट चेंजिंग आई एम नॉट ग्रोइंग। सो इसी बात को समझते हुए ऑथर फिर हमेशा जब भी उन्हें दिन के किसी भी टाइम में उन्हें ऐसे टाइम पॉकेट्स मिलते जो पहले वो वेस्ट कर देते थे, अब वो उस टाइम में रीड करने लगे, एक लेसन, एक पेज, एक पैराग्राफ या इवन एक लाइन, कुछ भी तरीके से वो मोबाइल में पीडीएफ रीड करते या कभी ऑडियो बुक सुनते, जो सब एक टाइम के लिए हाँ इतना नहीं लगता लेकिन धीरे धीरे कंपाउंड इफेक्ट की वजह से वो बड़े बड़े चेंजेस लाने लगा उनकी लाइफ में। और ये एक चीज आपको भी करनी चाहिए। एग्जाम्पल, सैलून में बैठे हुए अपनी बारी का वेट दूसरों के बाल और डैंड्रफ को देखते हुए मत खत्म करो, बल्कि उस टाइम में थोड़ा बहुत रीडिंग कर लो। ऐसे ही आप पेट्रोल पंप पे वेट करते हुए, रेस्टोरेंट में वेट करते हुए या कहीं भी कभी भी जब भी टाइम मिले, बस कुछ ही मिनट भी मिले तो भी उस टाइम में पढ़ो। बिकॉज याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार शायद आपका एक स्पेसिफिक टाइम निकाल के बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा डेली, बट टाइम पॉकेट्स आपको हर दिन कई बार मिल ही जाएंगे जिसका आपको फायदा उठाना है रीडिंग की हैबिट बनाने के लिए। हैबिट नंबर 3, रीड रैंडम। कैमरा फोन्स आज दुनिया के सबसे कॉमन चीजों में से एक बन गया है जो आपको हर इंसान के जेब में मिल जाएगा। लेकिन सोचो, एक बहुत लंबा टाइम ऐसा था जब कैमरा बस फोटोज के लिए और मोबाइल बस कॉल करने के लिए यूज होता था। प्लस इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर वो टाइम पे कोई इंसान बोलता चलो कैमरा वाला फोन बनाते हैं, तब लोग उस पे हंसते और बोलते ये पॉसिबल नहीं है, या मोबाइल बन भी जाता तो लोग बोलते कि अरे क्यों चाहिए फोन का खराब कैमरा जब रियल कैमरा इतने अच्छे पिक्स निकाल सकता है, तो एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आज रियलिटी देखो दोस्तों, आज लोग मोबाइल में कॉल्स करने से ज्यादा
फोटोज और वीडियोस बनाते हैं और ये चीज समझने वाली है। ऑथर बोलते हैं कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन के ऊपर मोर देन 50 बुक्स पढ़ने के बाद जो बात उन्हें बहुत सही लगी वो ये है कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन यूजुअली तब होता है जब हम दो या दो से ज्यादा रैंडम अनएसोसिएटेड चीजों को मिलाते हैं। एग्जाम्पल, कैमरा और फोन, इंटरनेट और शॉपिंग जिससे बनी अमेजोन जैसी वेबसाइट्स, टैक्सी और एप्स को मिला के बना उबर, ओला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही अगर आप भी एक ग्रेट रीडर और लीडर बनना चाहते हो तो रीड रैंडम, रैंडम बुक्स पढ़ो अलग अलग जॉनरेस की, नीशेस की। ये आपके दिमाग को खोलेगा और आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। प्लस अगर आपको इफेक्टिव रीडर बनना है तो एक अच्छी हैबिट है जो आपको बनानी चाहिए। हैबिट नंबर 4, गेट द बिग पिक्चर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एक अच्छा रीडर बनने के लिए, इवन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए समझना जरूरी है वो है एक्सीलेंस और परफेक्शन के बीच के डिफरेंस को समझना। देखो, परफेक्शन का मतलब होता है फ्लॉलेस होना, जो ईगो के साथ आता है, जो बोलता है कि मैं अपना काम दूसरों के सामने तब तक नहीं लाऊंगा जब तक वो परफेक्ट ना हो, ताकि किसी को कुछ बोलने का मौका ना मिले। जबकि एक्सीलेंस इन्वॉल्व करता है रेगुलर प्रोग्रेशन, भले ही चीजें परफेक्ट ना भी लगे फिर भी। अगर आप 70% टारगेट पे भी हो तो लॉन्च करना आपकी वीकनेस, आपके फ्लॉस को लोगों के सामने लाएगा, जो स्कैरी होगा, बट यही चीज आपके ईगो को सही रखते हुए आपको एक्सीलेंस की तरफ लेके जाएगा, जो आपको लॉन्ग टर्म में जल्दी आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। इसलिए एक्सीलेंस के पीछे जाओ, परफेक्शन के नहीं। अब बुक से रिलेटेड इसी कॉन्सेप्ट को देखें तो कई लोग बुक्स को हमेशा एकदम परफेक्टली पढ़ने की कोशिश करते हैं, स्लो स्लो अच्छे से हर एक लाइन 100% समझते हुए, जबकि अमृत बोलते हैं कि ये तरीका बेस्ट नहीं है। इंस्टेड आपको फास्ट रीड करना चाहिए और ये चीज इवन आपको ज्यादा फोकस करने में भी हेल्प करेगा। क्या? हाँ, आपने सही सुना। एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्मल स्पीड से या स्लो स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो आप यहाँ वहाँ देखोगे, डिस्ट्रैक्टेड भी रह सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, लेकिन वहीं अगर आप स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो आपका पूरा फोकस रास्ते पे ही रहेगा, राइट? नाउ यहाँ मैं आपको फास्ट गाड़ी चलाने की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, प्लीज ड्राइव सेफ। बस यहाँ रीडिंग की बात करें तो फास्ट रीडिंग आपको ज्यादा हेल्प कर सकता है ज्यादा फोकस रह के चीजें समझने में, अकॉर्डिंग टू ऑथर अमृत और अकॉर्डिंग टू मेमोरी चैंपियन टोनी बुजान। इसलिए आप परफेक्टली रीड करने से ज्यादा चीजें समझने के लिए फटाफट भी रीड कर सकते हो, बस बिग पिक्चर पे फोकस करते हुए। और यही है फोर्थ हैबिट इफेक्टिव रीडर की। हैबिट नंबर 5, रीड एंड डिस्कस। अकॉर्डिंग टू अ जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस एंड रिसर्च ऑफ यूनिवर्सिटी मैरीलैंड, ऑन एवरेज हर दिन एक इंसान 7000 वर्ड्स बोलता है। अब इसे कॉन्टेक्स्ट में समझे तो एक पेज नॉवल का यूजुअली 250 वर्ड्स का होता है, मतलब कंपेयर करके देखे तो हम हर दिन अराउंड 30 पेज एक बुक का बोलते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग बात है। बट इंटरेस्टिंग ये भी है कि हम इन 7000 वर्ड्स में यूजुअली क्या बोलते हैं। वेल, इसके लिए ऑथर अमृत ने क्या किया कि खुद एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया कि वो खुद नोटिस करने लग गए कि वो दिन भर में क्या क्या बातें करते हैं, वो दूसरों को नोटिस करने लगे, जिससे उन्हें पता चला कि जो बात हम बोलते हैं मैक्सिमम टाइम वो यूजुअली फालतू गॉसिप होती है, जो दूसरों से रिलेटेड बातें होती है। और सैडली ये हर इंसान के लिए कॉमन है, जो ऑब्वियसली सही नहीं है, बिकॉज जैसे कि यूएस के एक फेमस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट बोलते हैं कि स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स, बट ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज। और ये लाइन एक टाइट स्लैप था अमृत और हम सबके लिए। ना, ये तो हुई एक बात समझने वाली। दूसरी बात यह है कि मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं अमृत को कि उन्हें रीड करी हुई चीजें जल्दी याद नहीं होती है और वो उन्हें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो नाउ इन्हीं दोनों बातों को समझते हुए एक ग्रेट सोल्यूशन ऑथर बताते हैं, वो है टू टॉक डिस्कस एंड रिपीट। देखो दोस्तों, कोई भी चीज जो हम रीड करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ऑफ टोनी बुजान, जो कि मैंने आपको बताया कि एक मेमोरी एक्सपर्ट है, वो बताते हैं कि कोई भी बात जो हम सीखते हैं, रीड करते हैं, समझते हैं, वो हमारे दिमाग में यूजुअली 5 मिनट तक फ्रेश रहती है और उसके बाद वो फेड होते जाती है पूरी तरीके से, और 1 महीने के अंदर वो बात हमें जरा भी नहीं याद रहती। बट अगर हम वही बात को 10 मिनट में रिपीट कर ले, वापस पढ़ ले या बोल दे, तो 1 महीने के बाद भी 30% वो बात हमें याद रहती है। फिर अगर हम वापस से 1 दिन बाद वो बात को रिपीट कर ले तो 1 महीने बाद 50% वो बात हमें याद रहेगी। और ऐसी अगर आप देखो डायग्राम के एंड की चीज को, अगर हम महीने भर में 4 बार रिपीट कर ले और 1 महीने बाद रिपीट कर दे वही सेम चीज को, तो वो बात हमें ऑलमोस्ट हमेशा याद रहेगी। अब इस इन्फॉर्मेशन और ऊपर बताई गॉसिप की बात को समझते हुए, अगर हम बुक रीड करें और उसके जो इम्पोर्टेंट सबसे मेन कॉन्सेप्ट्स है वो लोगों के साथ शेयर करें और लगातार करते रहे, तो वो बात हम कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए ये चीज जरूर करो, एक स्मॉल या एवरेज माइंड से हट के एक ग्रेट माइंड वाला इंसान और एक ग्रेट रीडर बनने के लिए। नाउ ये थे वो 5 हैबिट्स जो मैंने आपको 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव रीडर बाय अमृत देशमुख इस बुक से बताई है। हैबिट नंबर 6 और 7 के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उनकी बुक खरीद के पढ़ो, बिकॉज ऐसा करने से आप उन्हें सपोर्ट करोगे, उन्हें उनके मिशन में सपोर्ट करोगे जो है मेक इंडिया रीड, जहां वो चाहते हैं कि मैक्सिमम इंडियंस बुक रीड करे, जिससे कहीं ना कहीं मैं भी बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूं। ये जो बुक है वो आपको एक्सक्लूसिवली इसी लिंक के थ्रू मिल सकती है।
सो उसे जरूर चेकआउट करें। ना अभी के लिए बस इतना ही, लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो। कमेंट करके बताओ कि रीडिंग के लिए सबसे अच्छी हैबिट आपके हिसाब से क्या है। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो रीडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं या स्ट्रगल करते हैं। और सबसे मेन, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दीजिए और हमारे मिशन का पार्ट बने। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।